पता होना चाहिए रोमन नंबर, जिस तरह से अंक संख्या जानने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक की आवश्यकता पड़े ना, उसी तरीका से अब रोमन नंबर जानने के लिए आपको 7 रोमन अंक जो है आपको पता होना चाहिए और 7 का वैल्यू। चलिए आपको लिखते हैं तो पता चल जाएगा कि जा ये तो आपको पता ही था। जब पता ही है 7 रोमन अंक तो रोमन अंक लिखना दुनिया का सबसे आसान काम है। देखिए कुछ नहीं है, आई आई मतलब 1, ठीक है, भी मतलब 5, एक्स मतलब 10, ठीक है, एक्स के बाद 10 तो एल मतलब 50, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एम मतलब 1000। देखिए 7 को पूर गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात को पूर गया। इन्हीं 7 के सहायता का दुनिया के संसार का सब रोमन अंक बन जाएगा। कुछ नियम होते हैं इसमें, 3-4 प्रमुख नियम होते हैं, उसकी सहायता से आप दुनिया के किसी भी रोमन अंक को लिख सकते हैं, ठीक है। नियम यह होता है कि यदि आई मतलब 1 होता है ना तो डबल आई होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 = 2। ट्रिपल आई बोलिए तो 1 + 1 = 3। लेकिन ये कहता है ना नियम कि ये ना कि आप 4 लिखना है तो 4 गो आई लिखिए, ऐसा नहीं करना है। 3 कोई भी रोमन अंक जो भी जोड़िएगा वो 3 बार से अधिक नहीं रिपीटेड होगा, लगातार नहीं। अलग अलग एक ही रोमन अंक में 4 बार आ सकता है लेकिन लगातार नहीं आ सकता है 4 बार आई। चलिए तो ये नियम आप समझ गए। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम यह कहता है जैसे देखिए भी है ना, तो मान लीजिए हम आई भी लिखे तो देखिए आई का मतलब आप क्या जानते थे, 1 जानते थे, आई का मतलब 1 जानते थे, भी का मतलब क्या जानते थे, 5 जानते थे। तो कहेगा ना यदि छोटका पहले आ जाए और बड़का बाद में आ जाएगा तो कहता है दोनों को घटाइए, तो ये दोनों के घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीका से मान लीजिए आई एक्स लिखल रहता तो देखिए आई मतलब 1 होता है, एक्स मतलब 10 होता है, तब छोटका पहले या बड़का बाद में आया तो जब भी छोटका पहले आ जाए ना तो दोनों के घटाइए, तो दोनों के घटाइएगा तो मान क्या आएगा, 9 होगा। तो दूसरा नियम हुआ कि छोटा पहले आता है तो बड़का में से घटता है। नियम तीसरा सुनिए, यदि यही लिख देता भी आई तो एक मतलब तो 5 होता है, इसका मतलब 1 होता है, तो बताइए छोटका बाद में आया तो बाद में आया ना तो दोनों को घटाइए, तो दोनों के घटाइएगा तो 4 अथी जा छोटका बाद में आया तो दोनों को जोड़िए, छोटका बाद में आया तो दोनों को जोड़िए, पहले आएगा तो घटाइए बाद में आया है तो जोड़िए। उसी तरीका से मान लीजिए एक्स आई लिखल रहता तो एक्स मतलब 10 होता है, आई मतलब 1 होता है, बाद में छोटा है तो इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 11। जब सेम सेम रिपीट हो तो उसे जोड़ना है हर हालत में, चाहे आई आई था, चाहे एक्स मतलब 10, डबल एक्स मतलब 20, ट्रिपल एक्स मतलब 30। बात समझ रहे हैं, 300 लिखा गया 30, सी मतलब 100, डबल सी मतलब 100 100 जोड़िएगा तो 200, ट्रिपल सी मतलब 100 100 100 तीन बार जोड़िएगा तो 300, एम मतलब 1000 तो 2 गो एम रहेगा तो 1000 1000 दो दा जोड़िएगा तो 2000, ट्रिपल एम रहेगा तो इसको जोड़िएगा 1000 1000 1000 जोड़ते जाइएगा तीन बार तो हो जाएगा 3000। बात को समझ रहा है, अब कहेगा ठीक है सर भी का मतलब भी तो 5 होता है तो डबल भी रहेगा तो 5 5 10 होगा कि नहीं, मेरे बहादुरो भी 5 5 दो जा जोड़िएगा तो 10 होगा, बताइए 10 का ऑलरेडी बनैले है कि ना बनैले है, जब ऑलरेडी बनाया हुआ जब जोड़ने पर भी 10 आ रहा है तो इसको नहीं दे, जब ऐसा हो जाए इसका मतलब जान जाइए कि भी रिपीट नहीं होगा। एल मतलब आप क्या जानते हैं, 50, तो डबल एल कीजिएगा तो 50 50 के दूध जोड़िएगा तो 100 ना हो जाएगा, अब बताइए 100 का ऑलरेडी बनैले है कि ना बनैले है, जब बनैले है इसलिए एल का भी रिपीट नहीं होगा, डबल एल मतलब 100 ऑलरेडी, सी जब बनैले ही है तो डबल एल क्यों लिखिएगा लगातार, सुंदर बात बहुत अच्छा। आप सुनिए डी मतलब 500
तो डबल डी रहेगा तो 500-500 का जोड़िएगा तो 1000 होगा कि नहीं। अब बताइए 1000 का ऑलरेडी जब ईएम बनैले है तो उसको डबल डी लिखने की आवश्यकता है, इसलिए डी को लगातार 3 बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। एल का रिपीट नहीं करते हैं और भी का रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट किसको किसको करते हैं, देखिए सी मतलब 100 तो डबल सी मतलब 200 बना, तो 200 के लिए कुछ है बनैले नहीं तो 300 के लिए भी ट्रिपल सी हो गया। आई मतलब 1, डबल आई मतलब 2, ट्रिपल आई मतलब 3, ये रिपीट हो गया। 2 बना तो इसमें 2 है नहीं। एक्स मतलब 10, डबल एक्स मतलब 20, ट्रिपल एक्स मतलब 30, एम मतलब 1000, डबल एम मतलब 2000, ट्रिपल एम मतलब 3000। एकरा बाद उसको जाने के लिए पक्का फिर 5000 को उसको बनाना पड़ता, लेकिन उसने बनाया नहीं। उसने नियम लगा दिया कि अब जो रोमन अंक आएगा ना उसके माथा पर हम एगो लाइन काट देंगे, इसका मतलब वो 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। जैसे अब हमको 4000 की आवश्यकता होती तो 5000 फिर नया रहता तब ना हम इसे घटाते, लेकिन वो कहा ना कि 4 का लिख दीजिए और ऊपर एगो लाइन काट दीजिए, मतलब 4000 हो गए। अगर कोई कहता कि अब बताओ 5000 का, तो वो कहता आप 5 का लिखिए ना और ऊपर एगो लाइन काट दीजिए, इसका मतलब हो गया कि वो 5000 हो गया। बात मेरा समझ रहे हैं, इस तरीका से उसने कहा। मतलब 3 अंक के बाद जो भी रहेगा ना जे भी वो लिखिए और ऊपर क्या काट दीजिए, एगो लाइन काट दीजिए, तो कहता उसका मान 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है मेरे बहादुरों, चलिए मेरे शेरों मेरे तूफानों, ठीक है बहुत अच्छा बात। तो आपको यहाँ से एक नियम पता चला कि सेम सेम रहता है तो जुटता है, अलग अलग रहता है तो कहीं जुटता है कहीं घटता है। कहाँ घटता है तो पहले छोटका आ जाए तो घटेगा और बाद में छोटका आए तो जुटेगा। ठीक है, किसको रिपीट किया किसको रिपीट नहीं किया, आप देखिए पूरे के पूरे रोमन अंक कैसे लिखा जाता है। एक नियम यहाँ भी पता चला कि किसी भी रोमन अंक के ऊपर अगर एगो लाइन गलती से भी कटा जाएगा, एगो लाइन एगो एगो, तो 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे आई लिखता है अगर ऊपर नीचे दोनों काटता है तो 1 होता है, ये बैलेंस कर दिया, खाली ऐसे लिखेगा तो 1000 आ 1000 के तो ये बनैले है ऐसे कभी नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे आई भी आ ऊपर नीचे दोनों काटले रहता है, तो ठीक है उचारे हैं, खाली ऊपर नहीं काटल देख सकते, वो अगर दिख गया तो 4000 है, याद रखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नियम आई 7 गोंग, पूरा रोमन अंक खत्म खत्म हो गया। देखते जाइए अब मैं रिपीट ये मिटा देता हूँ, क्योंकि रिपीट क्यों नहीं हुआ इसके लिए दिखाने के लिए, ये नियम वम होता नहीं। ठीक है, अब देखिए पूरा रोमन अंक कितने दूर में कैसे लिखा जाएगा, कहता है रोमन अंक होता है, बताइए कहला का परेशानी टेंशन कहा लेगा। ठीक है, देखिए यही चारों नियम का हम इस्तेमाल करेंगे, पूरा रोमन अंक भी लिख देंगे पूरा। हम यहाँ लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अभी नहीं लिखता हूँ, चाहे आपके लिए लिख देता हूँ 11 12, देखते जाइएगा 13, इस तो आपको पता है 14 15 16 17, मैं ये लिखता नहीं हूँ लेकिन आपके लिए लिखना पड़ेगा, नहीं 20 20 के बाद अब 21 22 मैं नहीं लिखते चलूँगा, 30 40 50 60 आ सिखा दूँगा, उसके अंदर लिखना सिखा दूँगा, देखते जाइए ना 60 70 80 90 100 200 300 100 के रफ्तार से भागने लगा, 400 500 600 700 800 900, अब 1000 के रफ्तार से भागेगा, 1000 2000 3000 4000, उसी तरीके से 100 5000 6000 होते जाता, 5000 मान लीजिए 10000 20000 और उसके बाद 50000 एक के दा भागा देते हैं, उसके बाद जो है 100000 मान लीजिए, 75 आपका मन होगा, छोड़िए 75 अभी, 100000 100000, खत्म हो गया रोमन अंक मेरे बहादुर मेरे शेर मेरे तूफान, खत्म हो गया रोमन अंक। देखते जाइए रोमन अंक होता है, देखते जाइए कैसे खत्म हो जाएगा, चिन्ह में काटे में लेट लग रहा है, बस खत्म हो गया बुझिए। तो ये जो मैं 11 12 लिखा ना उन्नीस तक, वो लिखने की आवश्यकता था ही नहीं, और कम जाता संख्या आ पूरा लिखा जाता रोमन अंक।
इतना जानने के बाद एक नियम रोमन खत्म। जैसे आप संख्या को विस्तार करके लिखते हैं ना, कहता है विस्तार पूर्वक लिखे, आपको नहीं कहता है ऐसे दो तीन पाँच सात लिख देता, कहता है इसको विस्तार पूर्वक लिखिए, तो आप भी बहुत तेज होते हैं। दो पर तीन सुन्ना, तीन पर दो सुन्ना, पाँच पर एक सुन्ना सात, नहीं लिखते थे बचपन में, हो गया इसका रोमन अंक लिख दीजिए, इसका रोमन अंक लिख दीजिए, इसका रोमन अंक लिख दीजिए, इसका रोमन अंक लिखा गया इसका। बस यही अभी सीखेंगे, यही यही आने वाला है। लेकिन देखिए ये एक का ऑलरेडी बनाई ले है आई, तो बताइए दो जानना है तो दो आई लिख देंगे तो एक एक दो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे बहादुर, सेम समय तो जोड़ेंगे कि नहीं, एक का एक दो, तीन है तो एक दो तीन, बताइए एक जोड़ सेम सेम रहता है तो जोड़ते हैं ना बहादुर, इसका मान एक 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 के बराबर है तो जोड़ लेंगे तो तीन हो गया कि नहीं, तीन दा जोड़ेंगे तो। अब चार जानना है ना, तो सबसे पहले बनल किसका है जस्ट बाद वाला पाँच, तो पहले पाँच का भी लिख दीजिए, दस का बनल है दस का एक से लिख दीजिए, उसके बाद पचास का एल बनल है पचास का एल लिख दीजिए, उसके बाद सौ का सी बनल है तो सौ का सी लिख दीजिए, पाँच सौ का डी बनाए ले है वो डी तो डी लिख दीजिए, उसके बाद हजार का एम बनैले है तो एम लिख दीजिए, देखिए जे जब बनैले था वो लिख दिए, एक बादो अगर उसको कुछ लिखना रहता तो उसको बनाना पड़ता बेचारा को, लेकिन वो बनाया नहीं, सस्ता और सुंदर एगो माथा पर लाइन काट के वो निकल गया। ठीक है, देखा वैसे तो ए बी सी डी और संख्या के तो खत्म होता नहीं, वैसे ए बी सी डी के 2600 लेटर भी खत्म हो जाता, उसका रोमन अंक लिखाता भी नहीं पूरा, तो दिमाग लगा दिया कि लो रेल लाइन काटो यार। ठीक है चले, तो देखिए पाँच का भी होता है तो सोचिए पाँच में से कितना कम कर दूँ, क्योंकि चार तो पाँच से कम है, तो कम है तो कितना कम है तो एक कम है, तो सोचिए कम करने के लिए पहले पाँच का तो भी होता ही है, एन्ने आई लिखूँ कि एन्ने, तो आप कहिएगा सर कम करना है तो पहले ना लिखिए आई, छोटका पहले लिखिएगा तब ना पा एक छोटा है पाँच तो पहले छोटका लिखिएगा, अभी ना बताए थे छोटा पहले लिखाएगा तब ना पाँच में से एक घटेगा तो चार होगा। ठीक, अब देखिए सब बारह है तो पाँच में एक जोड़ दीजिए तो छः, पाँच में दो जोड़ दीजिए तो सात, पाँच में तीन जोड़ दीजिए तो आठ, देखिए पहलुक्के वाला को उठा उठा के जोड़ दिया आठ, अब फिर नौ पर मामला अटक गया, तो कहेगा सर पाँच में चार भी तो बनल जोड़ दे, नहीं ये बताइए ये घट के खुदे बना है, इसमें छेड़छाड़ा भी नहीं करना है, जब भी तीन गो रिपीट हो जाए, देखिए एगो नया नियम हियाँ भी आया, जब भी एगो आई था दो, देखो इस तरीका से एक आई दो आई तीन आई, जब तीन आई था तो नष्ट हो गया, इधर आई नहीं आया, फिर उसी तरीका से यहाँ देखिए एक आई दो आई तीन आई तो इससे पहले जो रहेगा ना पहले क्या भी नष्ट हो जाएगा, ये खुद भी विलुप्त होगा, तीन गो से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता चार गो आई, आ एक विलुप्त करवा देगा, तो अब ये अगला के पास जाएगा, आगे बनल है दस का एक, तो बताइए दस से कितना कम है, एक कम है, तो यही तो दस के लिख किया, एक इन्ने लिख दिया जाता है तो नौ हो गया कि नहीं हो गया। अब ग्यारह जानना है तो देखिए, अब देखिए एक से लेके नौ तक जो बनल है ना, जैसे दस के हो गया एक तो दस के एक दस के एक दस 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 दस, दस हो गया दस, आ देखिए दस में एक जोड़िए एक लाई है कि नहीं, दस जा गलती हो गया, ये तो दस के है ग्यारह है तो दस में एक जोड़िए ग्यारह, दस में दो जोड़िए दो ला डबल आई ना है, अब दस में तीन जोड़िए दस में चार, दस में पाँच जोड़िए तो पंद्रह, दस में छः जोड़िए तो सोलह, दस में सात जोड़ दीजिए तो सत्रह, दस में आठ जोड़ दीजिए तो अठारह, देखिए आठ के है कि नहीं भी त्रिपल है, दस में नौ जोड़ दीजिए दस आई नौ है, तो बाद में है छोटा तो जुटेगा ना, तो दस आ नौ उन्नीस होता है कि नहीं, अब बताइए डबल एक्स मतलब बीस होता है कि नहीं होता है, दस में दस जोड़ दिए बीस हो गया, अब तीस चाहिए तो दस दस बीस आ दस तीस, जिसको दो बार रिपीट कर सकते हैं उसको तीन बार भी, चालीस का उसी तरीके से दस इसमें से घटाए चालीस, पचास में दस जोड़े साठ, बीस जोड़े सत्तर, तीस जोड़े अस्सी, अब देखिए सौ में से दस घटाए तो नब्बे, एक सौ के सी तो दो सौ के डबल सी, तीन सौ के त्रिपल सी, तो सौ पाँच सौ में से सौ घटा दीजिएगा तो चार सौ, और पाँच सौ में एक सौ जोड़े छः सौ, दो सौ जोड़े सात सौ, तीन सौ जोड़े आठ सौ, उसी तरीका से एक हज़ार में से सौ घटा दीजिएगा तो नौ सौ, एक हज़ार के एम तो दो हज़ार के डबल एम, तीन हज़ार के त्रिपल एम, चार हज़ार के
आई भी पर रेखा 5000 के 5 के भी, 10000 के एक्स पर रेखा, 20000 के 20 के ही हुआ। एगो रेखा काटे 20000, एल मतलब 50, एगो रेखा काटे 50000, सी मतलब 100, एगो रेखा काटे। इसी तरीके से इसके बाद हजार वाला रहते तो रेखा काट देते। अब देखिए हमको इसका रोमन अंक लिखना है 2357, तो इसको विस्तार पूर्वक तोड़ दिए तो हो गया 2000 जोड़ 30 जोड़ी, तो 2000 का कितना होता है तो देख लीजिए डबल एम, तो डबल एम लिख दीजिए। अब है 300, 300 का कितना होता है ट्रिपल सी, ट्रिपल सी तो लीजिए ट्रिपल सी। अब बताइए 50 के क्या होता है तो एल होता है, तो एल तो लीजिए एल लिख दीजिए। 7 का क्या होता है वी डबल आई, तब भी डबल आई। देखिए जिसका भी रोमन अंक है ना उसको विस्तार पूर्वक करिए और उसका रोमन अंक लिख दीजिए, हो गया आंसर। एक यह एक थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जैसे कि आपको आसानी हो जाए समझने में रोमन अंक, ठीक है मेरे बहादुरों आसानी हो जाए। देखिए 2 3 5 7 6 2, अब इसका कह देगा तो देखिए 3 अंक के बाद जो भी है ना उसका पूरा लिखिए 2 3 5 पर कैसे सुनना, ये 3 अंक है तो 1 2 3 सुनना जोड़, अब 7 पर 2 सुनना जोड़, 6 पर 1 सुनना 2, अब एक कर लिख दीजिए तो 235 के क्या होता है डबल सी मतलब 200, ट्रिपल एक्स मतलब 30, अभी मतलब 5, तो 235 पर एगो लेखा काटेंगे तो 1000 गुना हो गया। अब 700 का डी डबल सी, 60 का हो गया एल एक्स मतलब 50 दस 60, और 2 गो आई मतलब ये हो गया 2, तब बताइए इतना का रोमन अंक ये हो गया, कैसा लगा हिया विस्तार करके लिखे कैसा लगा। आप दुनिया के कोई रोमन अंक आपको कहे इसी तरीका से विस्तार करके तोड़ के लिख दीजिए, ये नियम स्क्रीनशॉट मार लीजिए। डैट्स ऑल, आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं क्योंकि बारिश आ गया है। धन्यवाद टू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।